हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गो एम्बेड, के गो एम्बेड क्या होता है, इसका पर्पस क्या था, एंड इसकी एक जर्नल लाइफ एग्जांपल, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जो, एंड इसका जो रिलेशन है गो बिल्ट इंस्टॉलेशन के साथ, तो वो सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इसी के साथ जो है आपको ये भी बताऊंगा कि गो एम्बेड के अंदर जो डेटा आता है हम उसको स्ट्रक्ट के अंदर कैसे बाइंड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांध लीजिए ताकि आप लोगों को क्या है कि बाहर से डिस्टर्ब ना करें, एंड इस वीडियो के अंदर शेयर की गई नॉलेज है जो वो आप गेन कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले कि गो एम्बेड का जर्नल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। तो गो एम्बेड जो जर्नल लाइफ एग्जाम्पल जो है, मान लो कि आप लोग जो है एक गर्म जगह पे घूमने गए हो, लाइक दुबई गए हो, जहां मैं बोल दूं राजस्थान गए हो, जैसलमेर गए हो, ठीक है। तो वहां पे जाके आप लोगों को पता है कि पानी जो है वो वहां पे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। क्यों? रीजन क्या है कि वो सूखा इलाका है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास ऐसी जादू की बोतल होगी जिसके अंदर मैं इन्फिनाइट जो पानी है वो स्टोर कर सकता हूं। मतलब कि मान लो कि ऐसी वैसे तो कोई बोतल होती नहीं, मान लो कि आपके पास ऐसे इन्फिनाइट जो बोतल है वो है कि जो जितना चाहो उतना पानी आप स्टोर कर सकते हो। तो आप जब भी बोतल खोलोगे तो वो आप क्या करोगे, उसमें से पानी पी लोगे। जब भी बोतल खोलोगे तो उसमें से क्या है, पानी पी लोगे। क्या आपको बाहर से जो है पानी है नहीं है उससे कोई फर्क पड़ा? तो उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको किससे फर्क पड़ा कि आपके पास बोतल है एंड आपने वहां से पानी जो है वो पी लिया, और वो बोतल किसके पास है, आपके पास है। वैसे ही एम्बेड जो है वो वैसे ही काम करता है। इसका अब डेफिनेशन मैं बताता हूं, ये डील करता है स्टैटिक फाइल्स के बीच में। अब मान लो कि आपका लोकल सिस्टम पे कोई स्टैटिक फाइल पड़ी थी एंड आपको है कि वो बाइनरी के अंदर रहे, मैं उसको मतलब मान लो कि उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लाइक जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीपल यूजर्स के, और मैं नहीं चाहता कि वो मैं फाइल है किसी को ऐसे दूं, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं उसको एम्बेड करूंगा अपनी बाइनरी के अंदर और बाइनरी दे दूंगा, और बाइनरी को जो है वो डीकोड नहीं कर पाएगा एंड जो डेटा है उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसकी इच्छा है, बट क्या है कि मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके पास गई है वो रीड नहीं कर सकता। मतलब क्या है, फाइल नहीं वो रीड कर सकता, बट बाइनरी के अंदर जो फाइल पड़ी है वो एक्सेस कर सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को ये इंप्लीमेंट करके बताता हूं, तो आपको जो डेफिनेशन है वो और भी अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन और एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा हर एक चीज। तो यहां पे जो है हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट किया एम्बेड। एम्बेड के साथ साथ हमने क्या किया, उसका यहाँ पे सिंटेक्स है वो ऐसे लिखा जाता है। सिंटेक्स का लिखने का मतलब क्या है कि डबल स्लैश, उसके बाद क्या, जैसे हम कमेंट यूज करते हैं गाइस वैसे ही इसमें डबल स्लैश लगी, गो कॉलन एम्बेड। एम्बेड के बाद आपको क्या देना है, फाइल नेम देना है। आप यहां पे किसी फोल्डर का पाथ भी दे सकते हो, तो अगर आप फोल्डर का पाथ दोगे तो आपको जो है अपने कोड के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी को वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो है जो वो बना दूं। अभी के लिए क्या है, हम फाइल के साथ जो है हम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे प्ले करेंगे। तो फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अभी फाइल यहाँ पे जो है टेस्ट डॉट जेसन हमारी क्रिएटेड है, इसके अंदर क्या है, नेम एंड फोन नंबर जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए जेसन फॉर्मेट में। एंड ये लाइन लिखने के बाद हमें क्या है, ये डेटा या तो बाइट्स में मिलेगा या किस में मिलेगा, स्ट्रिंग्स में मिलेगा। मतलब इसी के नीचे हमें ये लिखना पड़ेगा गाइस। अगर मैं इसके अंदर जो है डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, इंटरफेस कर देता हूँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे इंटरफेस के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को प्रिंट करके जो है दिखा देता हूं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, डेटा को जो है प्रिंट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि इसको रन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, तो यहाँ पे जो है कुछ एरर आ रहा है, वो किसी का है, वो है इंटरफेसिस का है गाइस, या इसी का एरर था। तो यहां पे हमने जो है वो उसको रिजोल्व कर लिया। अभी मैं इसको रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं गो एम्बेडेड कांट अप्लाई ऑन वेयर ऑफ टाइप इंटरफेसेस। तो यहां पे इसने पहली एरर दे दिया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे स्ट्रिंग लिखूंगा एंड उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो एज इट इज आ चुका है। तो अभी मैं इसको क्या है बाइट में जो है लिख देता हूं। गाइस टेंशन नहीं लेने का, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या है, मैं सिर्फ फाइल में से जो है डेटा ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे गो बिल्ड के अंदर इसको यूज किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं गो बिल्ड के अंदर भी जो है ये डेटा आ चुका है। अभी ये तो सिर्फ हमने डेटा है जो वो रीड किया है। अब इसके अंदर मान लो मैं एक और फाइल लिख लेता हूं test.txt, इसके अंदर भी क्या है हम कुछ रैंडम ऐसी टेक्स्ट लिख देते हैं, मेरे को नहीं पता कि क्या लिखूं, तो मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। तो मैं अगर इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट ये जो बाइट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अभी कई लोग बोलेंगे कि मेरे को स्ट्रिंग करके दिखाओ, तो मैं वो भी दिखा देता हूं, कोई बात नहीं है भाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही फाइल चेंज की तो उसने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है वो यहां पे उठाया है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको रिवर्ट कर लेंगे। अभी हम जेसन फाइल को जो है डेटा को बाइंड करेंगे स्ट्रक्ट के साथ, तो उसके बाद हम जो है गो बिल्ड के ऊपर बढ़ेंगे। तो यहां पे हमने जो है इसको बाइंड करना है, तो बाइंड करने के लिए मेरे को कुछ ऑपरेशन हैं जो वो करने पड़ेंगे। पहले मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा डेटा नाम का, ठीक है, मतलब स्ट्रक्ट है तो ऑब्वियसली बात है उसमें अंदर क्या है, नेम एंड फोन, क्योंकि हमने क्या डेटा बाइंड करना है, नेम एंड फोन, तो ऑब्वियसली बात है हम वही स्ट्रक्ट के अंदर फील्ड्स देंगे। तो यहां पे मैंने जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जेसन पैकेज यूज करूंगा। उसको यूज करने के बाद मैं अनमार्शल यूज करूंगा। अनमार्शल के अंदर मैं क्या है, पहले बाइट्स दूंगा जो कि मेरे डी के अंदर आ रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा रेफरेंस पास करूंगा डबल डी का, मतलब डेटा का, ताकि जो मेरा डेटा है वो बाइंड हो सके। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करवाऊं कि भाई प्रिंट हो जा, उसके बाद मैं इसके अंदर क्या दूंगा, इस क्या दूं, डी डॉट फोन दे देते हैं, फोन नंबर है जो वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या वही फोन नंबर आया, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9876543219, 9876543219 वही टेक्स्ट आएगा इस, वही इसके अंदर फोन आया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा डेटा है इस फाइल्स के अंदर वो हम कैसे स्ट्रक्ट के अंदर बाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने एम्बेड का जो है वो एक छोटा सा फंक्शनैलिटी देखी है, अभी सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी हमने देखनी है, तो वीडियो के साथ बने रहें एंड इसको समझें। अभी मैं क्या करता हूं, इसको गो बिल्ड कर देता हूं। अभी क्या है, इसकी बाइनरी बन चुकी है। अगर आपकी बाइनरी बनने में कोई एरर आए कि आपके मॉड्यूल्स हैं वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक गो मॉड फाइल क्रिएट कर लेनी है, वो इस कमांड से गो मॉड इनिट, और जो भी आप मॉड्यूल नेम रखना चाहें, तो मैंने गो गुरु रखा हुआ, तो उसी बाइनरी मतलब उसी नाम से इसने जो है बाइनरी क्रिएट कर दी। तो अभी हम क्या कर देते हैं, ये जो जेसन फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं, टेक्स्ट फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी कई बोलेंगे कि भाई वो अभी कैसे मिलेगा नहीं, मतलब फाइल नहीं मिलेगा। हाँ बात सही है, फाइल नहीं मिला तो मेरे को बाइनरी के अंदर भी नहीं मिलेगा वो फाइल, तो क्योंकि वो तो क्या है, मैंने बिल्ड करके रखा हुआ है। तो ये क्या, ये तो बड़ी ही अचानक मतलब हैरानी वाली बात है कि जो मेरा डेटा वो अभी भी आ रहा है। तो अभी आप लोगों को मतलब समझ आया, अभी जो डेफिनेशन है वो समझ में आ चुकी है कि क्या हमने जो फाइल यहां पे हमने क्रिएट की थी, जो अभी हमने डिलीट की है, वो क्या होगी, बाइनरी के अंदर अभी भी पड़ी है और जो डेटा है वो वहीं से जो है रीड कर पा रहा है। तो अगर किसी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। बाइट्स को हम क्या करते हैं स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। सॉरी, मेरे को इसके लिए जो है बाइनरी दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मेरे को जो जेसन फाइल है वो भी दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनरी जो है वो अगर आप कोडिंग में दोबारा कोई भी चेंज करते हो तो बाइनरी जो है वो दोबारा आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाइनरी के अंदर अभी जो है प्रीवियस मेमोरी जो है वो स्टोर्ड है, अभी उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, दोबारा से जो है मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूं, test.json। हमारा इसके अंदर क्या जेसन था गाइस, नेम को हम लिख देते हैं गो गुरुजी। उसके बाद हमारा जो फोन था वो क्या था, 9876211, यस यही हमारा फोन था। तो हमने ये लिख दिया एज इट इज बना दी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रन किया तो अभी यहाँ पे सही आ चुका है, तो मैं अभी दोबारा बिल्ड कर देता हूँ, ताकि जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई आया नहीं, तो उनके लिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जेसन फाइल मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी। तो बाइनरी जैसे ही मैंने रन की तो वो क्या है, उसने फाइल मेरी उठा ली और वही एज इट इज डेटा जो है वो प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसको भी रन कर लेता हूँ। अभी ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो फाइल है वो यहाँ पे नहीं मिला है। तो आशा करता हूं आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि गो एम्बेड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको स्ट्रक्ट के साथ कैसे बाइंड करते हैं,
एंड इसका गो बिल्ड इंस्टॉलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताएं, मेरे को भी मोटिवेट करें कि भी जो वीडियो है वो कैसा लगा आप लोगों को। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी जो है शेयर करें, आप खुद जो है एक्सप्लेनेशन दें लोगों को कि हमने गो एम्बेड जो था वो यहाँ पे सीखा था। वीडियो को जितना भी हो सकता है उतना शेयर करें गाइस, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप जो है अपना प्यार भी आगे शेयर करते जाएं। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देने के लिए थैंक्स, एंड उसके बाद इस वीडियो को भी प्यार देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।